मैं अब आपके साथ थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्कैनर स्टार्ट करता हूँ। और एज यू सेड कि आपने सर सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो हम भी स्कैनर करते हैं और स्कैनर में मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम। यानी जहां जहां जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन हमें अच्छा लगेगा हम सीधा का सीधा उठा लेंगे। और स्कैनर हम कौन सी बुक का पढ़ रहे हैं? थर्ड बुक का। तो मैं आपके साथ पेज नंबर डिस्कशन करता हूँ और हम आते हैं। पहला पेज है S.47। अब आप जरा पेज नंबर ओपन कर लो S.47 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको सारा का सारा इन क्वेश्चन से रिकॉल करा देता हूँ एक बारी। हाँ जी, करें स्टार्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 आ रखा है आपके सीबीएसई के बोर्ड में 2019 में, यानी 2019 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं सर, ट्रेड रिसीवेबल्स होते क्या हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए। आप थोड़ा सा मुझे बताओ क्या होते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सर, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक बात। अब हम चलते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं पूरा का क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 times, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, फिर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 15,000 मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, फिर लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 33 1/3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आपको पता लग जाएगा सर ये पेपर में आया हुआ है 2019। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा लेवल आइडिया मिल जाए आपको कि सर सीबीएसई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगी, थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगी। अब आपने क्या करना है मेरे साथ साथ जरा फॉर्मुलेज लगाते जाओ। जरा पहला दिया हुआ है, जो जो फॉर्मूले हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला था? सर, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला लगाने से आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, बट मैं आपको बताऊं लेटेस्ट आ रखा है सीबीएसई के अंदर, तो आप क्रेडिट सेल वर्ड यूज मत करना, आप यूज करना क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमें लेटेस्ट वर्ड्स यूज करने हैं हमेशा, ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब हमें ये चीज चाहिए। अब इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है 4 times, बाकी सर कुछ नहीं पता, छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेके चलते हैं। आगे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो मैंने स्पेस छोड़ दिया और मैं यहाँ पे निकालता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, और सर ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब ना ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है, ना ही हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/5। अब सर ये जो एक चीज दे रखी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दिया हुआ है 3,20,000, 3,20,000। और इसको हम पहले बोलते थे, पहले के जमाने में बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कॉस्ट है अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से एक इक्वेशन निकल आएगी। वो क्या इक्वेशन निकलेगी? आर एफ ओ इज इक्वल टू, RFO is equal to 5 gross profit।
और एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, वो फॉर्मूला है नेट सेल, जिसका करंट नाम है आरएफओ, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। बस हम जरा वैल्यूज पुट करते हैं। आरएफओ किसके बराबर है? आरएफओ बराबर है 5 ग्रॉस प्रॉफिट के, माइनस कॉस्ट सर आपको दे रखी थी 3,20,000 इज इक्वल टू जीपी। बस अब मैथ्स है, ये माइनस उधर जाके प्लस, यहाँ पे 4 जीपी, तो जीपी सीधा सीधा आ गया 3,20,000, और डिवाइड करेंगे 4 से तो फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 80 आ गया। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर दूं, इधर पुट कर दूं, तो मेरे पास आरएफओ आ जाएगा। आरएफओ है 5 जीपी, जीपी था 80,000, तो फाइनली मेरे पास आरएफओ आ गया 4 लाख। और आरएफओ को हम पहले बोलते थे नेट सेल्स। तो यानी सर स्पेस छोड़ के आपने आगे चलना है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी मुझे और आगे जाना पड़ेगा। पहले आप ये बताओ, आपको इस ये क्लियर है मैंने क्या किया है? क्लियर है सर, क्लियर है। यहाँ पे कन्व मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल, बट यहाँ पे क्या मिला है? आरएफओ। ये दोनों क्या बातें सेम हैं या अलग अलग है? सर अलग अलग है सर, आरएफओ में कैश और क्रेडिट दोनों है सर। वेरी गुड, सारी वीडियोस देख लिए मतलब इसका मतलब आपने है? यस। आरएफओ का मतलब होता है दोनों सेल्स, इट मींस कैश सेल्स, मैं बोल सकता हूँ कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब क्रेडिट आरएफओ, तो नेट सेल। और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड नेट सेल, इसका मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। ये अभी मैंने पीछे निकाली थी, ये मैंने निकाली थी 4 लाख शायद, चेक कर लेते हैं। हाँ सर ये 4 लाख की। अब मुझे ये दोनों चाहिए, अब इसके लिए फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट में लिखा है लास्ट में, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 33 1/3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्टार डाल के यहाँ पे ये जो लिखा होता है 33 1/3%, इस पूरे को मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं 1/3 एग्जैक्टली आंसर आता है 1/3, तो मैं सीधा 1/3 ले लेता हूँ। लिखा था कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो कैश है, ये जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 1/3 है, 1/3 है किसका? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो कैश की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/3 ऑफ क्रेडिट फ्रॉम रेवेन्यूशन प्लस क्रेडिट, तो अपने आप में क्रेडिट है ही, क्रेडिट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। बात समझ आ गई कैश किसके बराबर है? यस सर, यस सर। बस फिर मैथ्स आ गया दोबारा से, फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर 1/3 और ये आ गया 4/3 क्रेडिट आरएफओ, और इधर कितना था 4 लाख। तो फाइनली सर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जी मैथ्स का पार्ट, हाँ वेरी गुड, कितना आ गया? 3 लाख। तो सर अब जाके क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 3 लाख। मैं वापस चलता हूं, मैंने अपने इस फॉर्मूले में जहां पे स्पेस छोड़ा हुआ था नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3 लाख। अब रह गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, पहले इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? 75,000। अब मुझे बताओ एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सर ओपनिंग ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। वेरी गुड, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2।
ये दे रखा था अभी आपने पीछे निकाला था 75,000, टू इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर बचा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यानी सर ये आ गया 1,50,000। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी, वो भी पढ़ लेते हैं। सेकंड लाइन पे लिखा था क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 15,000 मोर देन ओपनिंग। इट मींस अगर मैं ओपनिंग को एक्स मानता हूं, ओपनिंग को मैंने क्या मान लिया एक्स, तो वो बता रहे थे क्लोजिंग है 15,000 मोर देन ओपनिंग, यानी 15,000 ज्यादा है, किससे ज्यादा है ओपनिंग से। इट मीन सर ये है आपका क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस 15,000, और ये है आपका ओपनिंग। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, बस मैथ्स का पार्ट आ गया। 2x 15,000 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 1,35,000। डिवाइड करेंगे 1,35,000 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 67,500। 1,00,000 सर, 67,500 सर, सिक्स, अच्छा 1,00,000 नहीं, 67,000 सर। ये x को माना क्या था, आपने x को माना था ओपनिंग। इट मींस अब जब नेट आंसर निकला है तो हम क्या करते हैं, पेपर के अंदर भी आपने उसको प्रेजेंटेशन वाइज सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखना है कि हमने ये फाइंड आउट किया है, यानी सर ये है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। और उन्होंने कहा था जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग सिर्फ 15,000 ज्यादा है, ओपनिंग से 15,000 ज्यादा है, तो क्या आप बता सकते हो क्लोजिंग कितना होगा सर? 82,500। 82,500, 15,000 ज्यादा है। तो ये दो उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो आपने फाइनली ये आंसर निकालने हैं। अब आप कुछ बातें मेरी समझो। पहली चीज ये कि सर लास्ट ईयर ही आया सीबीएसई 19 के अंदर, एग्जामिनेशन में जो टीचर्स होते हैं जब अब चेकिंग करने का टाइम होता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका सारा का सारा चेक करें। वो सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपका सही है ऑलमोस्ट टीचर यहीं पे आपको मार्क्स दे देंगे, 4 मार्क्स और आगे चलेंगे। कुछ टीचर्स होते हैं फिर वो कहते हैं ये सही है, फिर वो आते हैं क्या बच्चे ने फॉर्मूलेस सही लगाए हैं, जैसे ये था पहला फॉर्मूला वो ये चेक करते हैं, फिर था ये दूसरा फॉर्मूला वो ये चेक करते हैं। मैं आपको टीचर्स की रेंज बता रहा हूँ कि टीचर्स सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फिर सेकंड टाइम ये चेक करते हैं, फिर कुछ टीचर्स होते हैं अगर आपका मार्क्स 90+ जा रहे हैं, ठीक है कनव, अगर टोटल मार्क्स 90+ जाते हैं फिर वो ये चेक करते हैं टीचर्स क्या बच्चे ने क्रेडिट से लिखा है या बच्चे ने नया वर्ड यूज करा है क्रेडिट आरएफओ, फिर वो इन छोटी छोटी चीजों पे जाते हैं अगर आप 90+ पहुंच चुके होते हो तो। क्लियर है बात? यस सर। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग जब भी आप पेपर करने जाओगे तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपने उसको क्लियरली दिखाना है शो करके कि दिस इज माई आंसर, तो वो आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सीधा मार्क्स देखते हैं और आगे चलते हैं। डन बात? डन सर। एनी डाउट्स? नो सर। अब मैं स्कैनर का आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका स्कैनर का पेज नंबर है S.51। और ये क्वेश्चन जो था ये आया हुआ है ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट के अंदर, उधर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करंट रेशियो निकालनी है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, यानी दो चीज निकालनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। मैंने स्टूडेंट्स को और वीडियोस में हमेशा बताया था कि अगर आप बैलेंस शीट बना लेते हो तो आपको सारे के सारे डेरिवेशन और फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे, और क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं बैलेंस शीट अभी हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, ऑल्दो आपके कोर्स में वर्टिकल बैलेंस शीट है कंपनी एक्ट में, ठीक है बात? यस सर। हमने कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी कि सर शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
तो कुछ ये हम बातें यहाँ लिख लेते हैं सर। ये शोर शराबा क्या था? पहला था शेयर होल्डर फंड, दूसरा था नहीं चलेगा नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे था नॉन करंट असेट्स और यहाँ था करंट असेट्स। ये सारी बातें बैलेंस शीट की थी। जो जो इंफॉर्मेशन है जरा डाल देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, वेरी गुड, 60,000। फिर दिया हुआ है नॉन करंट असेट्स 50,000, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 50,000। फिर लिखा है टोटल असेट्स, टोटल का मतलब होता है ये है टोटल। और आपको हमेशा ये पता होना चाहिए सर, बैलेंस शीट ऑलवेज बी इक्वल। अगर वो 1 लाख है तो ये भी 1 लाख होगा। तो क्या आप ये निकाल सकते हो करंट असेट्स? यस सर, 50,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटीज 20,000। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा याद रखना, इस तरह से बैलेंस शीट होती है। अब बचा क्या? करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएगी? करंट लायबिलिटी सर 20,000। समझ आ गया? तो कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा बैलेंस शीट से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं रेशो पे। फर्स्ट रेशो है करंट रेशो। फॉर्मूला क्या था सर? CA अपॉन CL। अब आप मुझे बस वैल्यूज पुट करनी है सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। CA कितना है? 50,000। CL कितना है? 20,000। तो फाइनली इनकी रेशियो आ जाएगी 5:2। ठीक है बात? यस सर। करो, मैं जो अपनी क्लासेस लेता हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नियर अबाउट 6 ईयर्स तक, 6 साल तक हमारे यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स गए 95 हाईएस्ट। और 95 जो मार्क्स गए वो नियर अबाउट हर साल एटलीस्ट 8 या 9 स्टूडेंट्स के 95 आते थे। यस सर। मींस मैं इस चीज में शौक रहता था। वैसे तो सब कहते थे कि सर 9 बच्चों के 95 मार्क्स आए हैं, अच्छा स्कोर है 95 भी, बट मैं ये सोचता था सारे बच्चे 95 पे ही क्यों रुक जाते हैं, कोई भी बच्चा आगे क्यों नहीं जा पाता, इसके पीछे क्या रीजन है? यानी मैं ये सोचता था कि सर 100 मार्क्स कैसे लाए जाए, क्योंकि बच्चे अच्छे होते थे, 95 ला रहे हैं इट मींस सर वो एफर्ट्स करते थे। Yes, तो वहां पे फिर मैंने क्या किया इस चीज को पता लगाने के लिए कि बच्चे आगे क्यों नहीं जा रहे, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने स्कूल में जॉब करी। क्या रीजन है स्कूल में जॉब करने का? क्योंकि यही सारे टीचर्स होते हैं जो फाइनली पेपर चेक करने जाते हैं, जितने भी स्कूल में टीचर्स होते हैं यही आपके CBSE का पेपर चेक करते हैं। तो मैंने देखा कि वो किस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, क्या चीज है। तो वहां पे मुझे पता चला उन्होंने 5:2 को और छोटा करा, इन्होंने कहा इसको लिखते हैं 2.5:1 और छोटा कर दिया। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा टीचर से, वो अपने सेक्शन में पढ़ा रहे थे, मैं अपने सेक्शन में पढ़ा रहा था, मैं अपने बच्चों को कह रहा था बेटा 5:2 ठीक है। Yes, sir. वो दूसरे सेक्शन में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो कह रहे थे नहीं आपको इसको 1 में निकालना है। तो 1 में क्यों निकालना है? उन्होंने कहा रेशो जब भी निकालते हैं हमेशा इन टर्म्स ऑफ 1 ही निकालते हैं। तो ये सर, मुझे भी यही बताया था इधर। हाँ, आपको भी यही बताया था। फिर मैंने उनसे टीचर से पूछा, मैंने कहा कि मैम रेशो हमेशा 1 में निकालते हैं, इट मींस अगर ऐसे निकालोगे तो आप बच्चों के आधे नंबर काट लोगे। कह रहे बिल्कुल सही, क्योंकि करा तो सही है बट हाफ हम काट लेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक बात बताओ 1 में क्यों निकालते हैं हमेशा? कह रहे सर ऐसे ही करते हैं, यही तरीका होता है, करेक्ट अप्रोच। फिर मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा जब हम पार्टनरशिप पढ़ाते हैं, पार्टनरशिप में तो रेशो कुछ इस प्रकार की होती है, 3 पार्टनर्स हैं 4:3:2, देखा होगा आपने 5:4। यस सर। मैंने कहा वहां तो 1 नहीं करते, वहां पे तो ऐसे ही चलता रहता है। तो टीचर कह रहे कि सर आपसे बहस कौन करे। तो अब मुझे ये बात समझ आ गई कि भाई अगर मैं बच्चों को नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं तो बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर CBSE में मार्क्स लेने हैं तो आपको उन टीचर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो ये टीचर्स बोलते हैं कि सर 1 है। मुझे लगता है सर प्रैक्टिकली ये चीज गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी हम ऐसा पढ़ते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस सर।
तो अब ये चीज आपने याद रखनी है, बिकॉज आपने मार्क्स लाने हैं पेपर के अंदर। ऑल दो ये गलत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी कभी गलत होता नहीं था। क्लियर होगी बात? क्लियर है सर। मैंने करंट रेशियो निकाल दी, साथ साथ अब मैं सेकंड रेशियो पे भी आ जाता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे और भी मैंने कई चीजें ढूंढी जो मेरे बच्चे गलत कर देते थे, गलत इन द सेंस टीचर्स के हिसाब से गलत करते थे। नेक्स्ट रेशियो, और आपको शायद मैंने बताया, नहीं बताया था कि ना, लास्ट ईयर 99 चले गए ट्यूशन सेंटर के अंदर, नहीं सर, नहीं आपने नहीं बताया। आपने शायद लेट ज्वाइन किया था। तो मैं ये करते 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 बच्चा अब 99 तक पहुंच गया है। इट मीन्स इस चीज के नंबर अब बच्चे के नहीं कट रहे, क्योंकि तो मैं बच्चों को बता देता हूँ। और अब इस साल बच्चे लाएंगे 100 मार्क्स, कनव मोर जी 100 मार्क्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कनव फॉर्मूला बताओ। सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल। और क्या आप ये बता सकते हो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वेरी सर CA-CL। गुड। CA था 50,000, CL था 20,000, तो ये आ गया CA-CL 30,000। रेवेन्यू सर आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था फर्स्ट पॉइंट में 1,50,000। क्या आपको पता है इसका आंसर आता है टाइम्स में? टर्नओवर रेशियो आंसर किसमें आता है? टाइम्स में। तो यस मैंने सर। कार्ड दिया, तो इस तरह से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे आपके साथ। मैं अब आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 स्कैनर का पेज नंबर है S.53। ये क्वेश्चन आया है 2009 CBSE के अंदर, 2009 में। इसके लिए मुझे आपको एक पुरानी बात याद दिलानी पड़ेगी। मैं एक चार्ट बनाता था जिसको हम लिखते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला याद कर लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर हम इसमें से माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन। यस सर, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यस सर, और टैक्स जब हम इसमें से टैक्स भी माइनस करते थे फिर क्या आता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारे एक इक्वेशन होती थी, क्या आपको याद है? हाँ जी कनव, याद है ये? याद है सर। मतलब ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैश फ्लो में दोबारा आएगा। ये देखो, ये एक कैश फ्लो का चार्ट है। इस कैश फ्लो में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT, ठीक है, यस सर, यस सर, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करा इनकम टैक्स, फिर क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी सर ये चीज दोबारा से आने वाली है कैश फ्लो में, तो रेशो में भी समझ लो, कैश फ्लो में दोबारा समझाऊंगा आपको। डन। यस सर। अब हम आते हैं इसके अंदर, अब जरा पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सर इसमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ध्यान से देखना, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, यानी सर इंटरेस्ट के तो बाद और टैक्स से पहले, बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट के बाद मगर टैक्स से पहले, यानी ये दिया हुआ है। क्या लैंग्वेज समझ आ गई है? यस सर, कितना दिया हुआ है? 1,40,000। लैंग्वेज क्लियर है? यस सर, पहले इंटरेस्ट के बाद और टैक्स से पहले। है अब सर। आगे क्या लिखा है? 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट 4 लाख। मैंने पहले भी बताया था, आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ सर, ये जो 15% होता है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 लाख का लोन है, उसका 15% इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बताओ 15% इंटरेस्ट कितना हुआ? सेकंड सर, 60,000। 4 लाख का 15% हो गया 60,000, ठीक है ना? यस हमें सर, ऊपर जाना है, मुझे किसी तरह ये निकालना है कनव, क्या आप बता सकते हो कितना आएगा? हाँ सर, प्लस 2 लाख आना चाहिए सर, प्लस हाँ, तो 60,000 रिवर्स हो जा रहे जाएगा। हैं, तो वेरी गुड, रिवर्स जा रहे हैं तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, वेरी
पहले ये माइनस था, प्लस हो जाएंगे, ये आ गया 2 लाख। ये लाइन समझ आनी चाहिए सर, ये लाइन प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर क्या लिखा था। फिर बता रहे हैं टैक्स रेट है 50%, जरा मुझे बताओ इसका 50% कितना हुआ, 70,000। अब तो मैं सीधा चल रहा हूँ, माइनस करेंगे तो ये आ गया 70,000। ये मैंने अपना चार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी गुड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको बिजनेस स्टडी में बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस स्टडी का टॉपिक है, ठीक है? यस सर। ये अभी पढ़ाएंगे अपने तपन सर, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको दोबारा से। और इसका सर फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये फॉर्मूला होता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो क्वेश्चन में अभी अभी आपने निकाला था 2 लाख। अब दिक्कत है सर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होगा सर? आई थिंक ये 6,40,000 हो जाएगा सर, नॉन सीएल प्लस एसएचएफ। वेरी गुड, इसका फॉर्मूला होता है नॉन सीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस एसएचएफ। शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2,40,000 और ये दे रखा है 4 लाख, ये आ गया 6,40,000, ठीक है ना, इनटू 100। अब आप मुझे फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 13.25%। तो इस तरह से आपके सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं और ये एक बिजनेस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड और पीबीआईटी। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 और स्कैनर का पेज नंबर है S.60। क्वेश्चन नंबर 38 स्कैनर S.60 और ये भी आया था 2019 के अंदर और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं पेपर में आने के लिए। तो जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Assuming that debt equity ratio 0.50, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है कनक, debt equity ratio दिया है 0.50। अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं तो इसका फॉर्मूला था डेप्ट अपॉन इक्विटी और 0.50 का मतलब होता है 50 पैसे, मतलब हाफ, ठीक है ना? यस सर। क्या आपको पता है सर ये डेप्ट का क्या मतलब होता है और इक्विटी का क्या मतलब होता है? हाँ सर, डेट होता सर, अब इसमें तो ट्रेड रिसीव ट्रेड पेबल होगा सर। ना ना ना, इसमें मत बताओ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपको। डेप्ट का मतलब होता था नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी का मतलब होता था शेयर होल्डर फंड। क्लियर? अब आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, इसी के लिए मैंने आपको बैलेंस शीट के नोट्स दिए थे। यस सर। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है वो भी आपको बैलेंस शीट से पढ़ना पड़ेगा। यस सर। अब सर ये जो 1:2 दे रखा है, अब मैं एक एजम्पशन लेके चलता हूँ, मैं एक फिगर ऐसी लूंगा जिससे ये मेरी रेशियो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैंने कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया 1 लाख और मैंने ले लिया अपॉन में 2 लाख, इसके बिना आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ये एजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी। क्या ले लिया मैंने, 1 लाख और 2 लाख। यस सर। क्यों लिया 1 लाख 2 लाख, क्योंकि रेशियो कितनी आनी चाहिए, 1:2। यस सर। क्या सर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 2 लाख और 4 लाख? यस सर। क्लियर होगी बात आपको? यस सर। अब मैं एक ट्रांजेक्शन लेके चलता हूँ, पहली ट्रांजेक्शन हमारी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कह रहे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का उधार लिया, फिक्स्ड असेट्स खरीद ली। मान लेते हैं फिक्स्ड असेट्स का कुछ भी वैल्यू, मान लो आप फिक्स्ड असेट्स हम मान लेते हैं 50,000 की। जैसी मैं फिक्स असेट्स खरीदूंगा तो फिक्स ये तो इफेक्ट नहीं है। हाँ, बट मुझे आपको ना पेपर में मुश्किल आएगा कनक थोड़ा ही, तो आपको बहुत ध्यान से ट्रांजेक्शन समझो। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि फिक्स असेट्स 50,000 है, फिक्स असेट्स बढ़ गए। इसका सेकंड इम्पैक्ट बताओ,
3 महीने के लिए खरीदे हैं तो क्या बढ़ गए होंगे? क्रेडिटर्स बढ़ गए होंगे, वेरी गुड। तो सर इस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट आ गया, फिक्स असेट्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए। सर क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है और फिक्स असेट्स हमारे नॉन करंट असेट्स होते हैं, और ये दोनों ही चीजें हमारे फॉर्मूले में नहीं आती, इसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं आती। हेंस इस रेशो का क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेशो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर। एक और ट्रांजेक्शन लेके चलता हूँ, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। फिर एग्जांपल ले लो, 50,000 के शेयर्स इशू करें, जब शेयर इशू करेंगे तो कैश आएगा, कितना कैश आएगा? 50,000, और साथ में आपका जो शेयर है, शेयर बढ़ जाएंगे मार्केट में, आपके शेयर बढ़ जाएंगे 50,000 से। ये डबल एंट्री समझ आ रहा है आपको? यस सर। कैश क्या है? करंट असेट्स। yes. मगर शेयर क्या है? शेयर कहाँ आता है? वेरी गुड, SHF। सर करंट असेट्स का तो कोई रोल नहीं है इसके अंदर, मगर SHF का रोल है। अब SHF बढ़ रहा है, अब जरा हाँ, वेरी गुड, सही बता दिया आपने। ऊपर तो सर 1,00,000 ही आएगा जो पहले था, मगर नीचे SHF बढ़ गया। अब SHF कितना आएगा? 2,50,000। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारा 0.4 आएगा। 4 का मतलब है आपकी रेशियो कम हो गई, पहले थी 0.5, अब आ रही है 0.4, हेंस रेशियो विल डिक्रीज। क्लियर है कनव? यस सर। आपको भी, आपकी बातों से लग रहा है कॉन्फिडेंट हो आप, चीजें आपको समझ आ रही हैं। इसी का हम एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कनव इन तरह के क्वेश्चंस के, तो ट्राई करना है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। थर्ड, मशीनरी खरीदी है एंड पेड टू द वेंडर बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी आपने मशीनरी खरीदी और उसके बदले आपने शेयर दे दिए, तो शेयर बढ़ गए। वही बात हो गई सर, ये तो हमारे नॉन CA है, बट ये क्या है? SHF। नॉन CA तो आएगा नहीं, क्या आएगा? SHF। पीछे हमने ऐसे ही किया था, हेंस रेशियो विल डिक्रीज, पीछे वाला एकदम सिमिलर चल रहा है। ठीक है, यस सर। लास्ट आ गया फोर्थ पॉइंट, कह रहे ऑब्टेन 8% लॉन्ग टर्म लोन। आपने बैंक से लोन लिया है, जब बैंक से लोन लेते हो तो आपके पास पैसा आ जाता है और आपका एक लोन भी बढ़ जाता है। ये कौन सा लोन है? लॉन्ग टर्म लोन, ये भी बढ़ गया। बैंक क्या है सर? ये तो करंट एसेट है सर, और वो हमारे यूज में नहीं आएगी। बट लॉन्ग टर्म लोन क्या है सर? ये नॉन सीएल, वेरी गुड, और ये हमारे यूज में आएगी। अब इससे क्या होगा? कुछ भी फिगर ले लो, मान लेते हैं ये भी फिगर आ गई 50,000, इंक्रीज, वेरी गुड। पहले सर 1,00,000 था नॉन सीएल, पहले 1,00,000 था, अब हो गया 1,50,000। शेयर होल्डर फंड तो सर उतना ही रहेगा, 2,00,000, पर इस रेशो का क्या इम्पैक्ट पड़ा? रेशो हो गई इंक्रीज। आपको बात समझ आ गई? यस सर। कनव CBSE ना इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है, इतना दिमाग लगाने लगी है। पेपर में 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन बच्चे ने निकाला नो इफेक्ट, बिल्कुल सही था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट पढ़ा उसने, फिर उसका भी आंसर आ रहा था नो इफेक्ट, बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट, उसने लिखा नो इफेक्ट, बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट पढ़ा, उसका भी आंसर आ रहा था नो इफेक्ट। सर तब तक तो पता लग रहा था कि आपकी कोई गलती हो। Exactly. अब बच्चा डर रहा है, अब बच्चा कह रहा है यार बार बार नो इफेक्ट आ रहा है, जबकि सही कर रहा है। CBSE ना माइंड रीड कर रही है स्टूडेंट्स का, वो ये देख रही है कितना कॉन्फिडेंट है। और थर्ड का आंसर भी बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके लिख ही दिया नो इफेक्ट। और जब फोर्थ पॉइंट पढ़ा CBSE ने, उसका भी आंसर नो इफेक्ट ही डाला था। अब बच्चा समझ गया, कह रहा है पक्का मेरी गलती है, सारो चारों के चारों कैसे नो इफेक्ट हो जाएंगे। बच्चे ने लास्ट फोर्थ पार्ट में कुछ ना कुछ लिख दिया इंक्रीज और डिक्रीज। तो
सीबीएसई को पता है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट कितने टाइम तक हिल जाता है, तो बस ये है अपनी हिम्मत बनाए रखना कि नहीं सर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक ऐसा है, उस तरह से भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है।